बिग बॉस सीजन 16 में शिव ठाकरे भले ही रनर अप रहे, वो जीते नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा अगर किसी ने दिल जीता है तो वो शिव ठाकरे ने ही जीता है। वेल हेलो गाइस एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं ज्योति नाहक। इस वक्त सोशल मीडिया पर शिव का डंका बजा हुआ है। वैसे ऐसा कब होता है कि उनका डंका नहीं बजता, हमेशा ही शिव ठाकरे को लेकर कोई ना कोई कॉन्वर्सेशन जो है वो होती रहती है, कोई ना कोई बातचीत जो है वो होती रहती है। इस वक्त ऐसा ही हुआ है। जी हाँ, शिव ठाकरे ने तो बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज को भी फेल कर दिया है ऐसा लग रहा है। और ऐसा इसीलिए, देखिए खतरों के खिलाड़ी में बहुत सारे कंटेस्टेंट्स हैं, रोहित रॉय जैसे बड़े बड़े नाम भी हैं, यू नो शो पर डेजी शाह, रोहित रॉय, अरिजीत तनेजा और टेलीविजन की इतने सारे पॉपुलर हसीनाएं हैं, उसके बावजूद शिव जो कि एक रियलिटी टीवी स्टार हैं, शिव ठाकरे का सबसे ज़्यादा बोलबाला है, शिव ठाकरे का सबसे ज़्यादा चर्चा, सबसे ज़्यादा जिक्र जो है वो शिव की हो रही है चर्चा। सो मैं आपको बता दूं कि हाल ही में एक तो रोहित शेट्टी ने भी शिव ठाकरे को उनका वन ऑफ द मोस्ट यू नो हार्डवर्किंग कंटेस्टेंट बताया। उसी के साथ साथ रोहित शेट्टी ने कहा कि ये जो सीज़न है ये सबसे एंटरटेनिंग सीज़न होने वाला है, क्योंकि लग ऐसा ही रहा है। अब इसी के साथ साथ मैं आपको दिखा दूं कि रोहित शेट्टी ने एक रील पोस्ट किया था, जहां पर रोहित शेट्टी अपने इंस्टाग्राम पर कई सारे रील्स पोस्ट करते रहते हैं, लेकिन एक जो रील है ये वाला जो कि शिव ठाकरे के साथ का रील है, मैक्सिमम व्यूज उसी पर आए हैं। जी हाँ, ये रील जो शिव ठाकरे के साथ था, एक रीसेंट ट्रेंड पूरे बिग बॉस पूरे खतरों के खिलाड़ी के कंटेस्टेंट्स ने मिलकर किया था, इस ट्रेंड का हिस्सा ये लोग बने। और जैसे ही शिव ने इस वीडियो को पोस्ट किया, वैसे ही सोशल मीडिया पर जो है वो बवाल मच गया, हर कोई पूरे इस गैंग को देख रहा था। उसी के साथ साथ सोशल मीडिया पर इस वीडियो पर 11.7 मिलियन व्यूज़ आ चुके हैं। अब कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ तक के वीडियोस पर इतने व्यूज़ नहीं आते। जी हाँ, इंक्लूडिंग करीना, यू नो आलिया, कियारा, इनके भी वीडियोज़ पर इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते जितने इस वक्त शिव ठाकरे के इस वीडियो का। इंगेजमेंट जो है वो बढ़ चुका है काफ़ी ज़्यादा। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस चीज़ पर क्या है कहना। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जहां तक बात आती है खतरों के खिलाड़ी की, तो बहुत जल्द खतरों के खिलाड़ी शुरू होने जा रहा है, और बिग बॉस OTT के बाद मुझे लगता है खतरों के खिलाड़ी शुरू होगा, और उसके बाद आएगा मेन बिग बॉस जिसका इंतज़ार सब कर रहे हैं। बट रही बात, जैसा मैंने कहा कि शिव के नाम पर ये पूरा सीजन चल रहा है, आप देख लो, इन जनरल भी अगर किसी को लेकर सबसे ज़्यादा बातें आती हैं, किसी को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही होती है, तो वो शिव ठाकरे हैं। तो क्या कहेंगे शिव को लेकर और शिव की इस मैसिव स्टारडम को लेकर, मुझे लगता है इस सीज़न में शिव ठाकरे ज़रूर जीतने वाले हैं। क्या कहेंगे इस पर बताइए।